तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बस जस्ट अभी सो के उठी हूँ। सो मैं नीशु ससुराल के अंदर फुल हाजिर अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो टाइम हो रहा है मे बी 4:30 टाइम हो रहा है और मौसम अंधेरा। सबसे पहले तो भाई आज है जन्माष्टमी, तो सबसे पहले तो आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक यही एक फेस्टिवल है जो लगता है कि हाँ कि कोई फेस्टिवल है, बिकॉज हर मंदिर डेकोरेट होता है। और अगर आप जैसे चलो पिछले दो साल जो गया ऐसे, तब तो कोरोना था तो इस वजह से शायद इतना वो डेकोरेट नहीं हुआ, बट मे बी अब शायद हर मंदिर डेकोरेट होंगे। बहुत अच्छा लगता है, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता कैसे कैसे बीत जाता है। तो अभी पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, सफाई करने के बाद फिर मिलते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी काना, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। तो पहले मैं इस पाउडर को लड्डू गोपाल जी को लगाऊंगी ताकि इनको और पॉलिश हो जाए अच्छे से, और लगा के फिर 5 मिनट रख के फिर मैं इनको स्नान कराऊंगी। सो मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी। एक्चुअली मैं पूजा करने के बाद मैं चली गई थी नीचे किचन में, बिकॉज ब्रेकफास्ट भी बनाना था सबके लिए। और हमारे घर में जिन्होंने व्रत रखा है मतलब जन्माष्टमी का, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव और छोटी वाली दीदी और छोटे भाई साहब जी, तो हम चारों ने व्रत रखा है। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना कल मतलब बहुत लेट सोए थे, तो ये अभी उठे हैं। मैं देखिए रे, ये बैठे नीचे, ये खेल रहे बाबू के साथ। जो पीछे वाली जो वॉल जो मुझे कवर करना था, मैं वेट कर रही थी कब मेरे हस्बैंड उठे और फिर मैं लगकर मतलब दोनों हम मिलकर इसको कवर कर दें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा बहुत डेकोरेशन हमारा अभी भी बाकी है, तो आज जन्माष्टमी है और हमें डेकोरेशन पूरा करना है। मार्केट जाके माला वगैरह भी लेकर आनी है, तो फटाफट क्योंकि फास्ट है तो अपना नाश्ता वाश्ता तो कुछ होना है नहीं, तो फटाफट शुरू करते हैं बाकी की डेकोरेशन। ठीक है, जी को ऐसी ही मतलब पार्ले में बिठा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जाना है मार्केट। मार्केट से मुझे लेके आना है शाम के लिए फ्लावर्स बहुत सारे, तो फिर यहाँ डेकोरेट करके फिर मैं इनको प्रॉपर तरीके से रेडी करके फिर दोबारा से हम इनको पार्ले में बिठाएंगे। ठीक है, चले मिस्टर जी। चलो, तो अब हम जा रहे हैं पंजाब स्वीट्स, यहाँ से काजू कतली लेकर जाएंगे भोग के लिए। सामान लेकर हम लोग घर आ चुके हैं और पहले हमने सोचा था कि भोग के लिए काजू कतली ले लेते हैं, बट फिर हमें ध्यान आया नहीं यार, जो कान्हा जी हैं उनका फेवरेट चीज़ क्या है, माखन और मिश्री। तो हमने भोग के लिए माखन मिश्री और जो क्या कहते हैं उसका धनिए का प्रसाद होता है वो ले लिया है, उससे हम भोग करेंगे। बाकी फूल माला वगैरह और कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो रह गई थी वो भी हम लेकर आ गए हैं। तो चलो अब कोशिश करते हैं जो हम अपने मंदिर को सजा रहे थे प्रॉपर उसको उस लुक में डालने की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले देख लेते हैं, अभी फिलहाल जो मंदिर का एरिया है वो इस तरीके से दिख रहा है। अंदर से तो हमने उसको कर ही दिया था और बैक साइड में भी हमने टेक्सचर वो जो वो लगा दिया है। अब देखते हैं हम यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। ये हैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े, इन पर गंगा जल का छिड़काव हो रहा है क्योंकि ये लड्डू गोपाल जी नंगू। अब इनको सबसे पहले वस्त्र बनाएंगे और फिर इनके पालने में, हाँ स्नान तो सुबह कर लिया है ना, हाँ। वस्त्र बनाए जाएंगे।
हो गए तैयार लड्डू गोपाल जी। यहाँ पे नहीं, पहली जन्माष्टमी है और इनके लिए स्पेशल किया जा रहा है कुछ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सो यहाँ पर मैं अपने घर में, जो हमारे घर में सबसे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, उनका जन्म उत्सव बना रहे हैं हम लोग। और ये दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन ये है घर में सबसे छोटे। सो यहाँ पर मैंने जितनी भी छोटी छोटी तैयारियाँ की है वो सब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको सच में वीडियो देखकर ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप अपने घर में ही जन्माष्टमी मना रहे हो। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि भैया डेकोरेशन तुम मुझे दे दो, क्योंकि मेरे को किचन का भी देखना था क्योंकि सब कुछ तैयारी करनी थी। तो यहाँ सारी डेकोरेशन मेरे हस्बैंड ने किया है और इसका क्रेडिट वैसे भी मेरे हस्बैंड को ही जाता है, बट मैं चाह रही थी कि भाई मुझे भी मिल जाए क्योंकि थोड़ी बहुत तो मैंने भी कराई है। बट ठीक है, इट्स ओके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है हमें यहाँ पे करते हुए। हैं यही सब कुछ देते हैं, सही बात है। तो इस बार ये कह रहे चलो करो मेरी सेवा अच्छे से। नहीं इनो की पहली बार हुई ना, वरना ये रात को ही आते थे। 2022 सात साल हो गए अब मैं घर पे हूँ। दिवाली पहले दशहरा सब तो कह रहे अब अच्छे से सेवा कर दो मेरी। सो फाइनली हमारा जो मंदिर का मेकओवर था या जन्माष्टमी की जो भी हमने सजावट करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। सारी फ्लावर्स लाइटिंग एंड ऑल सब कुछ लगा दिया गया है। फाइनल लुक आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे क्योंकि अभी थोड़ी सी सफाई है वो निशु ने करनी है। अभी वो थोड़ा सा क्या कर रही है, वो कर रही है मतलब खीर वगैरह बनाना उसने रख दिया है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अगर टाइम से फ्री हो जाते हैं तो थोड़ा झांकी वाँकी देखने चले जाएंगे। क्या क्या बना लिया? बनाया नहीं है, एक मैं बना रही हूँ खीर, मीठे में बनाऊंगी खीर। और वो होते हैं ना सेवैया भी बन रही है। फाइनली एक साल बाद सेवैया बन रही हैं। चाय भी बना लो यार, चाय बनाऊंगी, भूख लग रही है क्योंकि हमने सोचा था कि सुबह चाय वाय पी लेंगे लेकिन उसमें इतना हम लोग बिजी हो गए और टाइम लग गया, शाम के 6 बज चुके हैं। फिर मार्केट भी गए थे, आपने देखा ही था। तो अब चाय बन जाएगी, थोड़ी बहुत चाय पी लेंगे क्योंकि काम खत्म हो चुका है। अभी देखते हैं, वो शायद वो कतरी बनाने के लिए बोल रही थी ना मम्मी, कतरी भी बनानी है। कतरी? ओके, कतरी भी बन जाएगी फिर। पहले सब्जी थी वो घी की बर्फी बनाने के लिए, बट लौकी है नहीं खत्म हो गई। लौकी की सब्जी, उस लौकी की बर्फी माय मतलब पर्सनल फेवरेट है, मजा ही आ जाता है खा के। मतलब हलवा भी कह सकते हो, बर्फी भी कह सकते हो। बनाता कौन है, हलवाई बनाते हैं मतलब, ये रहा अपना हमारे घर का हलवाई। सो फाइनली भोग का प्रसाद बन चुका है, खीर बन गई है, सेवैया बन गई है और छोटी वाली दीदी ने आलू की सब्जी में भी और मैं भी मटर पनीर की सब्जी बना दी है। तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट बन गया है। और सबसे मेन बात, जो हम मंदिर का काम कर रहे थे, डेकोरेशन कर रहे थे, तो वो डन हो चुकी है पूरी। आई होप आप लोगों को पसंद आए, बिकॉज वहाँ पे तो हमारा दिल खुश हो गया। मतलब हमारी नज़रें नहीं हट रही है वहाँ से, हम बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो बस ये है कि बस देखते रहे। जो आपको मैं दिखाती हूँ, आइए। आई होप सो आपको मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा होगा मंदिर। और अभी मैं इसका लाइट बंद करके लुक दिखाता हूँ, इतना ऑसम लग रहा है ना यार, देखो पहले। लो जी यहाँ मीठे में तीसरी चीज बन रही है, तीसरी भी नहीं है वो, ये ऑलमोस्ट इसको मिला के पांचवी चीज हो जाएगी क्योंकि ये एक प्रसाद रखा हुआ है
इसका धनिए का और माखन मिश्री भी रखी हुई है। खीर और सेवियाँ बन चुकी है और ये बन रही है घी की कतरी या हलवा या बर्फी, जो भी आप कह सकें। अपने अंतिम चरण पर है घी का हलवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सो ये हमने यहाँ पर जन्माष्टमी की तैयारी की है। सो बताइए कैसी लगी। और एक चीज़ और, यहाँ मैंने 3 लड्डू गोपाल जी को बिठाया है, एक ये यहाँ है और 2 यहाँ है। ये हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से देख रही हूँ, ये 2 एक साथ ही बैठते हैं। और आज एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जो ये वाले लड्डू गोपाल जी है ना, आज ये कपड़े पहनने में बड़े आनाकानी कर रहे थे ना, बहुत मुश्किल से इन्होंने कपड़े पहने हैं। और इन दोनों ने जो छोटे छोटे हैं, इन्होंने बहुत ईजिली कपड़े पहन लिए। तो हमारे पास 4 लड्डू गोपाल जी है, जिसमें से 1 लड्डू गोपाल जी मैं वृंदावन से लेकर आई थी। दोनों की ये फर्स्ट जन्माष्टमी है, ठीक है। तो अभी उनके लिए कुछ स्पेशल किया है, तो वो यहाँ पर पालना उनका रखना है, तो वो रखेंगे हम बाद में। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे श्याम। फिर अभी चल रहे हैं, अभी टाइम है क्योंकि 12 बजने में, और फिर हम लोग निकल रहे हैं, मंदिर वगैरह घूम कर आते हैं, ठीक है। और देखते हैं कुछ, अगर झांकी वगैरह लगी होंगी तो मंदिर में दर्शन करेंगे, झांकियां वगैरह देखेंगे, ठीक है। चलते हैं मंदिर, चलते हैं ना पहले। लो झूला जलाओ, झूला जलाओ। आपने ढोलक निकाल दी? निकाल दूंगा मैं, कोई नहीं, अभी निकाल देंगे। हाँ आके गा लेंगे ना, 11 बजे करीब गा लेना, ठीक है। 11 बजे हम अपना शो करेंगे। हाँ चले। ये हमारे यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर है, राधिका मंदिर है। काफ़ी सुंदर भी था मंदिर, और मतलब यहाँ क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा था। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं अब कौन सा मंदिर मिलता है। इस मंदिर में मेरे को लग रहा है कि वो जो हमारी बचपन की यादें वो ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि ये ज़बरदस्त झांकी लग रही है मुझे, बर्फ़ वाली जो झांकी होती है वो लग रही है ये। और लाइन देखो यार, ओहो लाइन तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। आधा घंटा हो गया है लाइन में लगे हुए हम तीनों जने। अभी भी वो देख रहे हो आप, पहले वाली वो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो देखो यहाँ जो है ना भोले बाबा दिख रहे हैं, यहाँ तक जाना है हम लोगों को। तो फाइनली काफी नजदीक आ गए हैं, ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए, बट हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा सा नंबर तेज चलवा जाके, हम भी वो क्या कहते हैं उनको, वॉलंटियर बनना पड़ा, तब जाके लाइन चली है ठीक से। मैं कितना टाइम हो गया खड़े हुए, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, ज्यादा ज्यादा ही हुआ ना, उससे ज्यादा हुआ। तो आई होप सो ये अब 3 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे हमारे, इनको तभी ले रहा हूँ वीडियो में, 4 बढ़ेंगे। वाव ये एंट्रेंस है, जय भोले बाबा की। ये तो प्रॉपर गुफा बनाई हुई है, हैं? ये पहाड़ बनाया हुआ एक तरह से स्टेज। ये बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है यहाँ पे, भाई वाह, ओहो हो पैर चीट हो गए, बाप रे बाप, बर्फ की सिल्लियाँ, ओहो हो पैर जाम हो गए। बहुत
बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है यहाँ पर मंदिर में। हाँ जी यहाँ पर ये लगी हुई है मटकी और फोड़ी जा चुकी है यार, हम लेट हो गए। तो फाइनली हम आ गए घर और 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, इसीलिए निशु जो है वो भोग का जो है अठावरी कहते हैं जिससे पूड़ियाँ निकाल रही है ताकि फटाफट पूजा कर सकें। और जो है कान्हा जी का जो हमारे वृंदावन से आए थे उनका जन्म भी होगा 12 बजे आज, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो 12 बज चुके हैं, होगा कान्हा जी का जन्म। चलो भैया जी कन्हैया जी आ रहे हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे मुबारक हो जी, मुबारक हो। कन्हैया जी आ गए, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो मदन गोपाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। नाई नाई हो रही है, नाई नाई हो रही है, देखो नाई नाई। अभी नहीं नहीं करने के बाद कपड़े पहनाए जा रहे हैं, ये वाले सुंदर लग रहे हैं कपड़े बहुत, है ना। भाई वाह, इसलिए नजर ना लगे भाई, बहुत ही सुंदर पगड़ी। चलो भैया विराजमान हो गए, अब क्या होगा, अब क्या करना है। डालो फूल डालो, मेरी सारी सब्जी कहीं थी ना आरती। हाँ दीदी आरती, उसमें लगा दूंगी आरती, लगा दो। वाली माता तेरी सदाई जय, पूर्ण करने वाली माता तेरी सदाई जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ ये भोग में हमने कितने हैं, ये 7 3 2 5 6 4 5 6 एक चीज कम लग रही है मेरे को, छह चीजें बनी है मीठे में। ओके चलो फिर भोग लगाओ। अब केक कटने वाला है, नूनू केक देखो जरा, और ये अब नाइफ को उनके हाथ लगवाया जा रहा है, फिर काटेंगे हम केक। बहुत ही सुंदर केक है, बहुत ही सुंदर मटकी बनी हुई है। अरे भाई आशीर्वाद दे दो चाची को, शाबाश शाबाश। चलो भाई हैप्पी टू यू करो, आ जाओ भाई।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया लगाओ, पहले कान्हा जी को खिलाओ। हैप्पी बर्थडे टू डबल के। बस अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी क्रीमी क्रीम फॉर्म होता ना फॉर्म। तुम्हें लग रहा है कि मिट्टी की है? हैप्पी बर्थडे टू पहले इनको खिलाती हूँ। खा रही है भाई, वाह ये देखो खा रही है। सो फाइनली सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद अब है डिनर टाइम। Yes. और वैसे यार बहुत ही ज्यादा मजा आया कसम से। एक्चुअली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, बहुत टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होते थे तो टाइम पे कभी नहीं पहुँचते थे, थोड़ा ऐसे ही रहता था। बट आज हमने मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का इतना ज़्यादा इंजॉय किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें। चलो ये लोग तो फिर भी, बट मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसा। Yes. जो मैं सुबह से शाम तक मतलब मैंने खूब इंजॉय किया, गाने चलाए, भजन सुने, मतलब मैं तालियां बजा रहा था अकेले, बहुत रिलैक्स था आज मैं। तो आई होप आपने भी जो सारी चीज़ें देखी हैं आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। तो अब बारी है खाने की। आज खाने में आज बहुत सारा खाना, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही किया है। ये सारा जो मीठे में बना था वो सारा प्रसाद, ये कचौड़ियाँ, मटर पनीर, और ये जो हमने केक काटा था कान्हा जी का, क्योंकि आज उनका हमने आपको, जैसे कि हमने आपको दिखाया है कैसे जन्म मतलब उनका हुआ वो चीज़, तो वो काफ़ी अच्छा था यार। जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था कि ये फेस्टिवल, मुझे लगता है कि सीरियसली ये एक फेस्टिवल है, क्योंकि और फेस्टिवल का तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं, पर क्योंकि यहाँ मंदिर सारे डेकोरेट होते हैं, हम मंदिर भी गए थे, बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया, जहाँ हमने बर्फ की पैर जाम हो गए थे वहाँ तो कसम से, सीरियसली पैर ऐसा हो गया कि जैसे ठंड में एक झंझनाहट सी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसा हो रहा था बहुत। तो फिलहाल भूख लग रही है क्योंकि रात के दो बज चुके हैं, दस मिनट है तो, और हमें अपना फास्ट भी खोलना है, तो खाना खा लेते हैं। और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा जरूर है ब्लॉग, लेकिन हमने इतनी मेहनत से बनाया हुआ है तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नए व्लॉग के साथ, तब के लिए टेक केयर, बाय।